भारतीय शिक्षण मंडल ब्रज प्रांत के युवा आयाम द्वारा दीपावली जैसे प्राचीन धार्मिक त्यौहार पर एक जन जागरण अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदूषण मुक्त समाज, विद्युत आपूर्ति जैसी समस्याओं और स्वदेशी की भावना समाज में जगाने के उद्देश्य से जन जागरण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान की शुरुआत पोस्टर विमोचन कर की गई। विमोचित पोस्टर को युवा आयाम के कार्यकर्ताओं द्वारा समाज की विभिन्न कुरीतियों को दर्शाते हुए बनाया गया है। युवा आयाम के कार्यकर्ताओं द्वारा आगरा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां के रहने वाले लोगों को जन जागरण अभियान से जोड़कर स्वदेशी अपनाने और दीपावली पर मिट्टी के दीपकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही एक एक परिवार में 20-20 दीपक वितरित किए जाएंगे और सभी लोगों से अपील की जाएगी कि वे चाइना से निर्मित किए हुए सामान का बहिष्कार करें। के एक अभियान हम चलाएंगे एक सप्ताह का कि दीपावली के उपलक्ष्य पर चाइनीज से बने हुए निर्मित चाइना से बने हुए जो पटाखे हैं, चाइना से बने हुए झालर, इस तरह का प्रयोग अपना समाज अपना न करें, उसके लिए एक अभियान चलाएंगे 5 दिन का, जिसमें प्रत्येक अपने मंडल बनाए गए, 10-10 मंडल बनाए गए, जिसमें 20 से 25 संख्या रहेगी अपने अपने कार्यकर्ताओं की। वो प्रत्येक जो अपनी बड़ी बड़ी कॉलोनी में जाएंगे, जयपुर हाउस में, अशोक नगर में, कमला नगर में, वहाँ जाके प्रत्येक परिवार में उनके परिवार के लोगों को समझाएंगे कि ऐसे चाइना के बने हुए जो निर्मित झालर हैं उनका प्रयोग न करें, उनके मिट्टी के दीपक का उपयोग करें, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज होगी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ जो परिवार में जो प्रदूषण होता है पटाखों से, वो उससे प्रदूषण भी कम होगा, ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। वो मिट्टी के दीपक यूज़ करें, इसके लिए हमने ये निश्चित किया है कि मिट्टी के दीपक 10,000 मिट्टी के दीपक हम पूरे आगरा शहर में देंगे, जिससे 25-25 मिट्टी के दीपक हम परिवारों में देंगे और उनके बारे में अपने कार्यकर्ता बताएंगे कि चाइना कितना अपना आर्थिक नुकसान कर रहा है भारत का, कितना चाइना का माल यहाँ आ रहा है और कितनी खपत हो रही है। हम चाइना का सामान ना लेकर भारत का सामान लें। देखिए, अर्थनीति है कि जो बाजार सामान चाइना से आया उसको हम दुकानदार से तो ये नहीं कह सकते कि भाई आप अपना सामान फेंक दीजिए, क्योंकि उसका अर्थ आर्थिक इन्वॉल्व है उसमें। देखिए, हम समाज को जागृत करेंगे, समाज जागृत करेंगे वो कम से कम चाइना की वस्तु ना खरीदे। उन्होंने लाने से परहेज भी किया है, लेकिन जो लाएंगे तो उनका जैसा उनका निर्णय होगा वो।